नमस्कार, देश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। उत्तराखंड के चमोली जिले के तपोवन इलाके में रविवार को हुए हादसे में 170 लोगों की मौत की आशंका है। तपोवन में ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट साइट को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। अब तक अलग अलग जगहों से 14 शव बरामद किए गए हैं। प्रोजेक्ट साइट पर 2 टनल है। पहले टनल में फंसे 16 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। कोरोना से लड़ाई में भारत की रफ्तार दुनिया के बाकी बड़े देशों के मुकाबले काफी तेज है। महज 23 दिन में ही वैक्सीनेशन के मामले में भारत ने दुनिया के उन देशों को पीछे छोड़ दिया है जहां हमसे काफी पहले वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इन 23 दिनों में अब तक देश के 58 लाख से ज्यादा हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इस मामले में भारत अब दुनिया में 3रे नंबर पर पहुंच गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिंधु दुर्ग में 150 सीट के मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। इसका निर्माण राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे ने कराया है। बाद में उन्होंने महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार को पॉलिटिकल मैसेज भी दिया, कहा हम आपके रास्ते पर नहीं चलेंगे। राजस्थान में भले ही आम आदमी देश का सबसे महंगा पेट्रोल खरीदने पर मजबूर हो, लेकिन राज्य सरकार शराब सस्ती करने जा रही है। सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक इस साल देसी शराब महंगी नहीं की जाएगी। वहीं 1 अप्रैल से राज्य में बियर भी 30 से 35 रुपए सस्ती हो जाएगी। चमोली जिले के रैणी गांव में ग्लेशियर टूटकर ऋषि गंगा नदी में गिरने की घटना के बाद रैणी गांव से 1000 किलोमीटर दूर इलाहाबाद तक गंगा किनारे के इलाकों में हाई अलर्ट किया गया है। गंगा किनारे के अधिकांश स्थान खाली करा लिए गए हैं। पाकिस्तानी सेना ने जिले के शाहपुरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर रविवार सुबह फेंसिंग के आगे बसे गांव मंधा में मोर्टार दागे। इनमें से एक मोर्टार से गांव निवासी मोहम्मद कफीर खान के घर को नुकसान पहुंचा। मोर्टार के टुकड़े लगने से दीवारों और दरवाजों को नुकसान पहुंचा। कुछ किसान नेता दिल्ली पुलिस की तफ्तीश में शामिल होने के लिए तैयार हो गए। इन नेताओं ने बातचीत में अगले कुछ दिनों में पूछताछ में शामिल होने की बात कही है। इनमें सिंगू बॉर्डर व गाजीपुर पर राकेश टिकैत के साथ के कुछ नेता शामिल हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS TV के साथ। नमस्कार। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ EMS TV पर। डाउनलोड करें EMS न्यूज ऐप।